एससे 250 समझेंगे भी, याद भी करेंगे, सब कुछ डीप में कवर करवाऊंगा। वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, कमिटमेंट कर देना कमेंट में दैट एसए विल डेफिनेटली स्कोर 70 प्लस इन सीए फाइनल ऑडिट इन मई 24। ए कैटेगरी का एससे है 4 मार्क्स, डिस्क्रिप्टिव में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, 2 मार्क्स का एमसीक्यू आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऐसे 250 किसके बारे में बात करता है? लॉज एंड रेगुलेशन जो कि कंपनी को फॉलो करने हैं। ऐसे 250 कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपनी को जो कानून फॉलो करने हैं। सारा बाइफर्केशन भी दूंगा, कौन सा क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव के लिए जरूरी है, कौन सा एमसीक्यू के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। एंश्योर करना है कि एंटिटीज ऑपरेशंस कंडक्टेड एज पर लॉज एंड रेगुलेशंस, यानी कि मैनेजमेंट को क्या एंश्योर करना है ना कि लॉज रेगुलेशंस कानून वगैरह फॉलो हुए हैं कि फॉलो नहीं हुए। एग्जांपल के तौर पे कंपनीज एक्ट जो है ना फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है। कोई भी अगर कंपनी मेरी, तो वो कंपनीज एक्ट को फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है, वो किसकी जिम्मेदारी है? मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं है। उसके लिए कौन से पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं, ठीक है? तो देखो उसका मेमोरी ट्रिक है, सीओसी 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 लॉ लॉ। सर क्या बोल रहे हो समझ में नहीं आ रहा। देखो 3 पॉइंट है ना सीओसी के, यानी कि सबसे पहला मॉनिटर करना है कंप्लायंस विद कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कोड ऑफ कंडक्ट जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं ना, यानी कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस, कंपनी के अंदरूनी रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो कंप्लाई हुए हैं कि नहीं हुए, ठीक है? उसके बाद ये जो हमारे कोड ऑफ कंडक्ट है ना, यही वाले कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है? तो कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप हुए हैं, पब्लिश हुए हैं और फॉलो हुए कि नहीं हुए, ठीक है? इधर क्या था, कंप्लायंस हुआ है कि नहीं हुआ है, इधर डेवलपिंग पब्लिसाइजिंग एंड फॉलोइंग कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि वो बने हैं, पब्लिसाइज हुए हैं, यानी कि पब्लिश हुए हैं और फॉलो हुए कि नहीं हुए। उसके बाद एंश्योर करना है कि एम्प्लॉइज आर प्रॉपरली ट्रेन्ड एंड अंडरस्टैंड कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि एम्प्लॉइज को भी वो अंदर के रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसको क्या बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, वो अपने को बताने ताकि वो लोग भी फॉलो करें। उसके बाद सीओसी के 3 पॉइंट थे, लॉ के 2 पॉइंट थे। सर लॉ के कौन से 2 पॉइंट है? मॉनिटर करना है मेरे को लीगल रिक्वायरमेंट एंड एंश्योर करना है कि ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स आर एज पर रिक्वायरमेंट, ठीक है? सर लीगल रिक्वायरमेंट को देखना है, यानी कि लॉ क्या बोल रहा है वो मैं देखूंगा, देखूंगा एंटिटी के जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, यानी पता है जो एसओपीज होते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, वो उस हिसाब से बनाए गए कि नहीं बनाए गए। दूसरा लॉ का क्या है ना, मेंटेन द रजिस्टर ऑफ सिग्निफिकेंट लॉज रेगुलेशंस एंड कंप्लेंट्स, लिखा हुआ है इधर, मेंटेन द रजिस्टर ऑफ सिग्निफिकेंट एलआरएन कंप्लेंट्स, यानी कि लॉ रेगुलेशन एंड कंप्लेंट का मेरे को रजिस्टर मेंटेन करना है, ठीक है? सर ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें मैंने बोला कि क्या एंश्योर करना है कि एंटिटी के ऑपरेशन लॉ के हिसाब से हुए कि नहीं हुए, ये किसकी जिम्मेदारी? मैनेजमेंट की, और कुछ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स लगाने, सीओसी 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 लॉ लॉ। उसके बाद ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो देखो सर, ऑडिटर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग नॉन कंप्लायंस। क्यों सर? वो अभी अपन ने ऊपर देखा, वो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये देखना कि कंप्लायंस हुआ है कि नहीं हुआ है लॉ का, ठीक है? एंड ऑडिटर कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू डिटेक्ट नॉन कंप्लायंस विद ऑल द लॉज एंड रेगुलेशन। ऑडिटर से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सारे लॉ के सारे रेगुलेशन के कंप्लायंस को देखे, क्योंकि वो सीए है, वो सीएस नहीं है। ऑडिटर को लॉ का इतना नॉलेज नहीं होता है, तो वो सारे के सारे लॉ सारे के सारे रेगुलेशन से कंप्लाई नहीं चेक कर सकता, कंप्लायंस चेक नहीं कर सकता, वो सीए का काम नहीं है, वो किसका काम है? सीएस का काम है, ठीक है? तो ऑडिटर का काम क्या है सर? ऑडिटर ऑब्टेन्स रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, जो अपन ने बेसिक में पढ़ा था ना एसए 200 में, रीजनेबल एश्योरेंस लेना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई फ्रॉड नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं है, वो है हमारे ऑडिटर का काम। फिर ऑडिटर कंसीडर करेगा लीगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, यानी कि ऑडिटर क्या चेक करेगा, खाली कंपनीज एक्ट देखेगा कि भैया कौन से लॉ लग रहे हैं, वो कंप्लायंस चेक नहीं करेगा, वो खाली देखेगा कि कौन से लॉ लग रहे हैं, बहुत फर्क है दोनों में, ठीक है सर? कंप्लायंस चेक करना किसकी जिम्मेदारी है? तो मैंने बोला मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, ठीक है? लेकिन 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 ऑडिटर क्या खाली देखेगा, उसको पता होना चाहिए कि कौन से लॉ लग रहे हैं, खाली उसको पता रहना चाहिए, कंसिडर करेगा लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ठीक है सर? मैंने बोला। उसके बाद पता है मैं क्या बोल रहा हूं, इनहेरेंट लिमिटेशंस, अपन ने ऐसे 200 में पढ़ी थी, तो इधर भी कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस है सर। इधर ना 3 तरह की इनहेरेंट लिमिटेशन है। पहली, देयर आर मेनी लॉज एंड रेगुलेशंस दैट डोंट अफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड नॉट कैप्चर्ड बाय इंफॉर्मेशन सिस्टम। बहुत सारे ऐसे लॉज रेगुलेशन होंगे जिनका है ना हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से कोई लेना देना नहीं होगा, ठीक है सर? ऑडिटर है ना खाली और खाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही कंसर्न है, लेकिन दूसरे लॉ से कंसर्न नहीं है। तो क्या लिखा हुआ है, बहुत सारे ऐसे लॉज एंड रेगुलेशंस होंगे जो कि अफेक्ट नहीं कर रहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो ऑडिटर को उन लॉ से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से वो क्या है ना उनका कोई लेना देना नहीं है वो वाले लॉ का, ठीक है? दूसरा, नॉन कंप्लायंस में इन्वॉल्व कंडक्ट डिजाइन टू कंसील इट, एग्जांपल कल्यूजन, फोर्जरी, इंटेंशनल मिस रिप्रेजेंटेशन टू ऑडिटर। यानी कि क्या होता है ना, जब फ्रॉड किया जाता है ना सर, जब नॉन कंप्लायंस होती है ना, तो उसमें है ना इस तरीके से वो किया जाता है ताकि वो छुपाया जा सके। फोर्जरी की जाती है, कल्यूजन किया जा सकता है, मिली भगत होती है, तो उसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। क्या होता है, उसको कंसील करने के लिए, नॉन कंप्लायंस को कंसील करने के लिए सारे टेक्टिक्स यूज की जाती है, कल्यूजन, फोर्जरी, इंटेंशनल मिस रिप्रेजेंटेशन, तो उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है, नॉन कंप्लायंस को पकड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसको कंसील करने के लिए उसको उस वे में, कॉम्प्लेक्स वे में किया जाता है। और तीसरा, वेदर नॉन कंप्लायंस और नॉट इज अ मैटर ऑफ लीगल डिटर्मिनेशन बाय कोर्ट ऑफ लॉ, सच में वो नॉन कंप्लायंस है कि नहीं, वो तो कानून देखेगा, सुप्रीम कोर्ट देखेगा, लॉ देखेगा, ठीक है सर?
आंसर हमारा ऑडिटर नहीं देखेगा। तो ये तीन इनहेरेंट लिमिटेशन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लो सर तीन कौन सी इनहेरेंट लिमिटेशन है। पहला ऐसे लॉज एंड रेगुलेशन जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट नहीं करते और इन्फॉर्मेशन सिस्टम उसको कैप्चर नहीं करता। दूसरा क्या है ना, कंसील करा जाएगा उसको छुपाने के लिए ऐसे बड़े बड़े टेक्टिक में, कैसे सर, कल्यूजन, फोर्जरी, इंटेंशनल मिस रिप्रेजेंटेशन, इस प्रकार से किया जाएगा क्या सर, नॉन कंप्लायंस, तो ऑडिटर्स को पकड़ नहीं पाएगा। और तीसरा, सच में नॉन कंप्लायंस है कि नहीं, वो मैटर ऑफ लीगल डिटरमिनेशन बाय कोर्ट ऑफ लॉ है, वो कौन डिसाइड करेगा, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, हम डिसाइड नहीं करेंगे। ठीक है, दो कैटेगरी होती है लॉ रेगुलेशन की। सबसे पहला होता है लॉ रेगुलेशन जिसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है अमाउंट और डिस्क्लोजर पे, एग्जांपल दिया हुआ टैक्स और लेबर लॉ। दूसरा होता है जिसका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता है ऑन अमाउंट एंड डिस्क्लोजर, लेकिन तो भी इसका कंप्लायंस जरूरी है, क्योंकि धंधे के लिए ये लॉज जो होते हैं ना, वो जरूरी लॉ होते हैं ऑपरेशंस के लिए, यानी कि धंधा चलाने के लिए, गोइंग कंसर्न, ताकि वो धंधा हमेशा यू नो चलता रहे। गोइंग कंसर्न जो होता है ना हमारा, क्या बोलता है कि जो हमारा धंधा है ना वो चलता रहे फोर्सिएबल फ्यूचर में भी। ठीक है, और मटेरियल पेनल्टीज को अवॉइड करने के लिए ये वाले जो लॉ है ना जरूरी है, लेकिन इनका डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं आता है अमाउंट पे और डिस्क्लोजर पे, लेकिन तो भी ये फंडामेंटल लॉज होते हैं। ठीक है सर, मैंने बोला हाँ। लेकिन अगर आपने इसका नॉन कंप्लायंस के ये वाले लॉ का, तो मटेरियल इफेक्ट आ जाएगा एफएस पे, यानी कि सर जो पहला वाला लॉ है ना उनका डायरेक्ट इंपैक्ट आता है, डायरेक्ट इफेक्ट आता है अमाउंट डिस्क्लोजर पे, दूसरे वाले का डायरेक्ट इफेक्ट नहीं आता है अमाउंट डिस्क्लोजर पे, लेकिन वो फंडामेंटल है धंधे को चलाने के लिए लॉ जरूरी है, और इनका नॉन कंप्लायंस हुआ तो मटेरियल इफेक्ट आ जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। किसका सर? तो मैंने बोला दूसरे वाले जो लॉ है ना उसकी बात कर रहा हूं अभी। सर ऑडिटर की है ना रिस्पांसिबिलिटी क्या है? देखो सर, दो तरह की मैंने आपको लॉ बताई, ये ए वाला, ये बी वाला। ठीक है सर, ये दूसरा वाला कौन सा है? बी वाला। पहला जो पॉइंट है ना, दोनों के केस में कॉमन है, कॉमन फॉर ए एंड बी। कौन सा पॉइंट? ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी में। ऑडिटर ऑब्टेन करेगा जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। एग्जांपल मैंने आपको बताया कंपनी एक्ट, कंपनियों पे क्या लगता है? कंपनी एक्ट। तो ऑडिटर को जनरल अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए ना जो लॉ लग रहे हैं उसकी। मैंने बोला ऑडिटर है ना उसको कंप्लायंस चेक नहीं करनी है, वो चेक करने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है, लेकिन ऑडिटर को जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए लॉ की। और दूसरा, हाउ एंटिटी इज कंप्लाइंग विद फ्रेमवर्क, यानी कि क्या एंटिटी ने उसके साथ कंप्लाई किया कि नहीं किया। ठीक है सर, मैंने बोला हाँ। फॉर ए, ए वाले लॉ सर, ए वाले कौन से लॉ थे? देखो इधर, ए वाले वो लॉ थे जिनका डायरेक्ट इंपैक्ट आ रहा था मटेरियल अमाउंट और डिस्क्लोजर पे। ठीक है, उसके लिए ऑडिटर की क्या रिस्पांसिबिलिटी है? देखो पहला वाला जो पॉइंट है वो कॉमन है दोनों के लिए। ठीक है, दूसरा वाला पॉइंट किसके लिए? स्पेसिफिक ए के लिए। क्या रिस्पांसिबिलिटी है? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना कंप्लायंस के लिए। एग्जांपल भी दिया हुआ है, लॉ फॉर फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड इंडस्ट्री स्पेसिफिक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज। मेरे को पर्टिकुलर देखना है, पर्टिकुलर मेरे को सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर के, इंडस्ट्री के स्पेसिफिक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज को लेकर के। लेकिन जो बी वाला पॉइंट है ना, उसमें ऑडिटर को ज्यादा मेहनत नहीं करनी। ऑडिटर क्या करेगा ना, लिमिटेड ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा। ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिमिटेड टू स्पेसिफाइड ऑडिट प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई नॉन कंप्लायंस विद लॉज और रेगुलेशंस हैविंग मटेरियल इफेक्ट। अभी मैंने आपको इधर ऊपर बोला था नॉन कंप्लायंस का मटेरियल इफेक्ट होता है, उसके लिए ऑडिटर क्या करेगा ना, दो प्रकार के ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा। पहला, इंक्वायरी करेगा मैनेजमेंट के टीसीडब्ल्यूजी की, इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी एज टू वेदर एंटिटीज कंप्लाइंग विद लॉज एंड रेगुलेशन। दूसरा, इंस्पेक्टिंग करेस्पॉन्डेंस विद रेगुलेटरी अथॉरिटीज। करेस्पॉन्डेंस, करेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है कम्युनिकेशन। जो रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ मैंने कम्युनिकेशन करी ना, उसको मैं चेक करूंगा। सर रेगुलेटरी अथॉरिटी मतलब कि बैंक के केस में आरबीआई रेगुलेटरी अथॉरिटी, इंश्योरेंस कंपनी के केस में इरडा रेगुलेटरी अथॉरिटी, तो उनके साथ जो मैंने बातें करी ना उसको मैं चेक करूंगा, इंस्पेक्ट करूंगा। करेस्पॉन्डेंस, करेस्पॉन्डेंस बोलते कम्युनिकेशन, यानी कंपनी ने आरबीआई के साथ कुछ बातें की होगी, बैंकिंग कंपनी ने आरबीआई के साथ कुछ बातें की होगी, अपने रेगुलेटर के साथ बातें की होगी, तो उसको चेक करूंगा। ठीक है सर। और चौथा, ऑडिटर ना रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन कर लेगा मैनेजमेंट से दैट नोन नॉन कंप्लायंस आर डिस्क्लोज्ड टू ऑडिटर। ठीक है सर, मैंने बोला हाँ जी। तो पहला वाला पॉइंट कॉमन था, फिर ए और बी के स्पेसिफिक पॉइंट अपन ने पढ़ लिए, और एंड में रिटन रिप्रेजेंटेशन अपन ने पढ़ लिया। अगला, ऑडिट प्रोसीजर्स क्या रहेंगे व्हेन नॉन कंप्लायंस इज आइडेंटिफाइड और सस्पेक्टेड। यानी कि दोनों बात चल रही है, नॉन कंप्लायंस अगर मिला तब भी, और अगर शक है ना मेरे को नॉन कंप्लायंस का तब भी, सस्पेक्टेड का मतलब मेरे को शक है। सबसे पहले ऑडिटर ऑब्टेन करेगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर ऑफ एक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस इन विच इट अकर्ड। यानी ऑडिटर पहले देखेगा कि कौन सा नॉन कंप्लायंस हुआ, एग्जांपल कंपनी एक्ट के प्रोविजन का वायलेशन हो गया, तो ऑडिटर पहले वो चेक करेगा, और फर्दर इन्फॉर्मेशन लेगा ऑडिटर हमारा टू इवेल्यूएट द पॉसिबल इफेक्ट ऑन एफएस। वो देखेगा कि फर्दर इन्फॉर्मेशन मेरे को कुछ मिल सकती है, तो और डिटेल में मैं इन्फॉर्मेशन जांचने की कोशिश करूंगा। अगर ऑडिटर ने सस्पेक्ट कर लिया नॉन कंप्लायंस, यानी कि ऑडिटर को शक है, तो डिस्कस करेगा मैनेजमेंट के साथ, टीसीडब्ल्यूजी के साथ। अगर तो मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी डोंट प्रोवाइड सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन एंड इफेक्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस इज मटेरियल, तो ऑडिटर ऑब्टेन करेगा लीगल एडवाइस। क्या है सर? सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे मेरे को मैनेजमेंट वाले, तो क्या करूंगा? लॉयर से बात करूंगा, बोले तो लीगल एडवाइस लूंगा। ठीक है, और सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन अगर नहीं दे रहे हैं ना, तो क्या करूंगा ना, मैं इवेल्यूएट करूंगा इफेक्ट ऑन ओपिनियन, यानी कि इंपैक्ट में डालूंगा ओपिनियन पे, यानी क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर, वो सारे मैं ओपिनियन देना चालू कर दूंगा। और ऑडिटर क्या करेगा? एंड में एक्शन देगा, यानी कि ऑडिटर ने सस्पेक्ट किया ना नॉन कंप्लायंस, तो पहले वो डिस्कस करेगा मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी के साथ। मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी ने सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन दे दी तो अच्छी बात है, नहीं दी और उसका इफेक्ट मटेरियल है, तो लीगल एडवाइस लूंगा। और वापस से मैं बोल रहा हूँ नहीं दी, तो क्या करूंगा? ओपिनियन पे इंपैक्ट डाल दूंगा, क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर ओपिनियन दे दूंगा। मैंने बोला ठीक है सर, और ऑडिटर एंड में एक्शन देगा।
रिपोर्टिंग के बारे में बात करते हैं सर, आइडेंटिफाइड नॉन कंप्लायंस और सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस की। सबसे पहली रिपोर्टिंग मैं करूंगा टीसीडब्ल्यूजी को, तो ऑडिटर कम्युनिकेट कर देगा टीसीडब्ल्यूजी को मैटर्स ऑफ नॉन कंप्लायंस कमिंग टू ऑडिटर्स अटेंशन। ऑडिटर किसको जाके बोलेगा? टीसीडब्ल्यूजी को। अदर देन इनकॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स, इनकॉन्सिक्वेंशियल का मतलब होता है अनइंपॉर्टेंट, अनइंपॉर्टेंट मैटर्स की बात नहीं कर रहा हूं, खाली इंपॉर्टेंट मैटर्स जाके बोलूंगा। देखो अगर नॉन कंप्लायंस इंटेंशनल है और मटेरियल है तो कम्युनिकेट में कर दूंगा टीसीडब्ल्यूजी को एज सून एज प्रैक्टिकेबल। क्यों? क्योंकि नॉन कंप्लायंस इंटेंशनल यानी कि जानबूझ के किया गया है और मटेरियल यानी कि बड़ी बात है, तो कम्युनिकेट कर दूंगा टीसीडब्ल्यूजी को एज सून एज प्रैक्टिकेबल। ऑडिटर अगर सस्पेक्ट कर रहा है ना कि मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी इन्वॉल्व इन नॉन कंप्लायंस, वो मैनेजमेंट ही मिली हुई है, टीसीडब्ल्यूजी मिला हुआ है वो नॉन कंप्लायंस में, तो ऑडिटर किसको कम्युनिकेट करेगा? नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी को, यानी कि ऑडिट कमिटी बोर्ड को। क्यों इन हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी को कम्युनिकेट करने की जरूरत आन पड़ी? क्योंकि मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी लुच्चे थे, मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी फ्रॉड में मिले हुए थे। किसमें मिले हुए थे? नॉन कंप्लायंस में मिले हुए थे। अगर तो ऊपर कोई हायर अथॉरिटी है ही नहीं, अभी मैंने क्या बोला मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी मिला हुआ है तो हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी को बोलूंगा, लेकिन अगर कोई हायर अथॉरिटी है ही नहीं, या तो ऑडिटर बिलीव्स के कम्युनिकेशन मे नॉट बी एक्टेड अपॉन, यानी कि ऑडिटर को लगा कि मैंने बोल भी दिया ना हायर अथॉरिटी को तो कोई फायदा नहीं है, या तो अनश्योर एज टू द पर्सन टू होम टू रिपोर्ट, यानी कि ऑडिटर है ना अनश्योर है, उसको पता नहीं है मैं किसको रिपोर्ट करूं, तो लीगल एडवाइस उसको ऑप्टेन करना पड़ेगा, लॉयर से उसको बात करनी पड़ेगी। मैंने बोला ओके सर। अगला बात है रिपोर्टिंग एंड ऑडिट रिपोर्ट, ये किसकी बात चल रही थी अभी तक? रिपोर्टिंग टू टीसीडब्ल्यूजी। अब किसकी बात चल रही है? रिपोर्टिंग एंड ऑडिट रिपोर्ट। तो बात ऐसी है, अगर तो नॉन कंप्लायंस का मटेरियल इफेक्ट है ना और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैंने रिफ्लेक्ट नहीं किया है तो क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन मेरे को देना पड़ेगा। और ये कौन सा केस है? जब आपको सफिशियंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिलता है। ये आपको अभी नहीं समझ में आएगा, ऐसे 700 की सीरीज के बाद आपको समझ में आएगा ये चीज, ठीक है? उसके बाद ऑडिटर अगर प्रिक्लूडेड है बाय मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी फ्रॉम ऑब्टेनिंग सफिशियंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, प्रिक्लूडेड का मतलब अगर तो लिमिटेशन लगाया है मैनेजमेंट ने, तो फिर कौन सा ओपिनियन मेरे को देना पड़ेगा? क्वालिफाइड डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, क्योंकि इधर सफिशियंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिला ही नहीं। और तीसरा, अगर तो ऑडिटर जो है ना अनेबल टू डिटरमाइन इफ नॉन कंप्लायंस अकर्ड और नॉट अकर्ड ड्यू टू लिमिटेशन इम्पोज बाय सर्कमस्टेंसेस, तो भी उसको इंपैक्ट देना पड़ेगा ओपिनियन पे। सर सेकंड और थर्ड पॉइंट में एक डिफरेंस है, सेकंड वाले पॉइंट में है ना लिमिटेशन मैनेजमेंट लगा रहा है, थर्ड वाले पॉइंट में लिमिटेशन बाय अदर सर्कमस्टेंसेस, मैनेजमेंट की गलती नहीं है, मैनेजमेंट ने लिमिटेशन नहीं लगाए, अदर सर्कमस्टेंसेस के कारण, कोई भी दूसरे सर्कमस्टेंसेस के कारण क्या आ गए? लिमिटेशन आ गए। पहले वाले केस में क्वालिफाइड एडवर्स दूंगा क्योंकि ऑडिट एविडेंस मिला है, दूसरे वाले केस में क्वालिफाइड डिस्क्लेमर दूंगा क्योंकि ऑडिट एविडेंस नहीं मिला। क्वालिफाइड के दो पार्ट्स होते हैं, एक में ऑडिट एविडेंस मिलता है, एक में नहीं मिलता, ठीक है? और तीसरे वाले केस में मैं ओपिनियन पे इंपैक्ट दे दूंगा। अगला होता है रिपोर्टिंग टू रेगुलेटरी अथॉरिटी। सर रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि आरबीआई बैंक्स के केस में, अभी मैंने आपको बताया इंश्योरेंस कंपनी केस में एरिडा, तो ऑडिटर डिटरमाइन करेगा इफ ही हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी और नॉट टू रिपोर्ट टू पार्टीज आउटसाइड एंटिटी, यानी ऑडिटर देखेगा कि उसको आरबीआई को रिपोर्ट करने की जरूरत है कि नहीं बैंक ऑडिट के केस में, इरिडा को रिपोर्ट करने की जरूरत है कि नहीं इंश्योरेंस कंपनी के केस में, ठीक है सर? और डॉक्यूमेंटेशन सर एमसीक्यू बेस में, अभी जो पीछे इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो है उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस पर डॉक्यूमेंटेशन आएंगे, तो डॉक्यूमेंटेशन पे एक बार नजर घुमाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो क्या डॉक्यूमेंट करना है? नॉन कंप्लायंस दोनों तरह की, आइडेंटिफाइड यानी कि जो सच में हुई है और सस्पेक्टेड जो कि हो सकती है, और रिजल्ट ऑफ डिस्कशन विद मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी थर्ड पार्टी। वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, कमिटमेंट कर देना कमेंट में, कैसे डेफिनेटली स्कोर 70% CA final audit May 2024। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप स्टडीइंग एंड कीप लर्निंग, ऑल द वेरी बेस्ट।